हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा जाने थे बेसिक, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम बनाएंगे डेरिवेटिव का एज ए बेसिक टूल्स, चूँकि हम फिलहाल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा प्रॉब्लम जिसका कि हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज होगा वैसे डेरिवेटिव को फिलहाल हम लोग निकालने जा रहे हैं। सो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ फर्स्ट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, दूसरा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू टू दी पावर एक्स, तीसरा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर, चौथा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस टू प्लस थ्री टू दी पावर एक्स, पांचवा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टू साइन एक्स, एंड छठा वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टेन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को पहचानेंगे कि कौन से फॉर्म में ये है फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, जैसे एक्स टू दी पावर एन, कॉन्स्टेंट, ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स टू दी बेस ई, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो जिस जिस का भी हम लोग जानते हैं उस फॉर्म से मैच करवाएंगे। जैसे एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में ये है, तो यहाँ डी ओवर डी एक्स कितना होगा, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में है, और एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव कितना होता है, एन इन टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो पावर पीछे, पावर में से एक कम, माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस एक्स का वन, तो टू एक्स का टू और कॉन्स्टेंट का कितना जीरो। यहां डी वाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, परंतु ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए टू दी बेस ई। यहां डी वाई डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स टू दी बेस ई का कितना वन बाय एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना टू एक्स। यहां लॉग एक्स टू दी बेस ई नहीं है, सो लॉग एक्स टू दी बेस ई को हम लोग लॉग एक्स टू दी बेस ए को लॉग एक्स टू दी बेस ई में ले जाएंगे, तो लॉग बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू होता है लॉग बी बाय लॉग ए विद सेम बेस, और हमें जरूरत है ई बेस का, तो दोनों जगह हम ई बेस डाल देते हैं। सो लॉग एक्स टू दी बेस टू को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाय कितना लॉग टू, दोनों जगह क्या ई बेस, सो दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई अपॉन लॉग टू टू दी बेस ई प्लस थ्री टू दी पावर एक्स। तो यहां डी वाई डी एक्स कितना होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, वन बाय लॉग टू टू दी बेस ई कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन बाय एक्स प्लस थ्री टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में है, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए टू दी बेस ई। यहां फॉर्म है क्या, यू इंटू वी, यू इंटू वी, तो u का पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू दूसरे को ऐसे ही छोड़ना है इंटू कितना साइन x प्लस, अब की बार पहले को अनचेंज रखना है तो एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस x। यहां डी वाई डी एक्स क्या होगा, u बाय वी का फॉर्म है, तो u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू वी, वी मीन्स कितना 10x, माइनस u x
इंटू वी का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर एक्स अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मीन्स कितना टेन एक्स का स्क्वायर, दैट इज कितना टेन स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ बेसिक है, एकदम इनिशियल प्रॉब्लम्स है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इससे ऊपर चलते हैं। दूसरा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, दूसरा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, तीसरा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, चौथा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, पांचवा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स। तो यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है साइन एक्स, साइन यहां किसका साइन रूट एक्स, रूट एक्स का फंक्शन है और रूट एक्स फिर एक्स का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो यहां हमारा मुख्यतः एक ही काम होगा कि जो फॉर्मूला लिस्ट अपने पास है उसमें से किसी एक से मैच करवाना, किसी एक के फॉर्म पर इसको अरेंज करना। तो फर्स्ट वाला अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको अगर हम एक्स मान लें तो ये फॉर्मूला लिस्ट के साइन एक्स फॉर्म से मैच कर जाएगा, किसी ना किसी एक से मैच करवाना है। तो साइन एक्स से मैच कर गया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स मीन्स यहां कितना है रूट एक्स इंटू जिसको माने हैं, जिसको हमने माना है उसका डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना वन अपॉन टू रूट एक्स। ये यहां पर डी वाई डी एक्स क्या होगा, यहां साइन एक्स के फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, अगर हम साइन एक्स कहेंगे तो एक रूट मिस कर जाएगा, तो कुछ ऐसा करना है कि रूट भी आ जाए। तो अगर हम इसको एक्स मान लें तो ये रूट एक्स के फॉर्म पर आएगा और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स मीन्स कितना यहां पर साइन एक्स इंटू फिर जिसको माने हैं, किसको माने हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स। यहां क्या होगा डेरिवेटिव, तो इसको मैच करवाने के लिए इसको मान लेते हैं एक्स, फिर से आ गया फॉर्म साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू जिसको माने हैं उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना टू एक्स प्लस थ्री एक्स का थ्री और कॉन्स्टेंट का कितना जीरो। यहां पे डी वाई डी एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स कहेंगे तो साइन मिस कर जाएगा, इसीलिए इसको इस कॉस एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, तो फॉर्म हो गया साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, एक्स मीन्स यहां पे कितना कॉस एक्स इंटू जिसको माने हैं उसका डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन एक्स। फिर ये किस फॉर्म पर जा रहा है साइन एक्स पर, तो इसको मानना होगा एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स मीन्स कितना रूट अंडर कॉस एक्स इंटू अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए फिर से इसको एक्स मानेंगे, तो फॉर्म क्या हो गया रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स मीन्स कितना आपकी बार कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है चलो,
अब इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ गया तो जितना फिलहाल यूज होगा 11th में वो सारा बन जाएगा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। दूसरा टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। dy dx लिखने का मतलब y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए? साइन x का। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हम साइन x का डेरिवेटिव तो जानते हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं और x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव जानते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x का रिस्पेक्ट बनाने के लिए हमने dx से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब ये sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? cos x। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में कितना? 2x। सो sin x का डेरिवेटिव x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो गया cos x / 2x। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ 10x with respect to root x, that is equal to derivative of 10x by derivative of root x with respect to क्या? x, यहाँ पे with respect to x, that is equal to 10x x के रिस्पेक्ट में कितना? sec square x by root x x के रिस्पेक्ट में कितना? 1 by 2 root x, that is equal to 2 root x into sec square x। clear है? अब अगला सवाल है कि क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू कितना? जीरो। तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 2xy, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल कितना? 0। और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना? 2x प्लस y, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, लेकिन यहां वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई अपॉन डी एक्स बाय कितना? डी वाई माइनस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फिर से यह जाएगा यू इंटू वी पर, तो x का और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू वी प्लस x इंटू y का x के रिस्पेक्ट में कितना? dy by dx प्लस 3 माइनस 2 इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। और ये हो गया 2x प्लस y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y अपॉन dx by dy, तो d इंटू कितना हो जाएगा? dy by dx माइनस 2y माइनस 2x इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0।
अब हमें डीवाई डी एक्स चाहिए, तो डीवाई डी एक्स जहां जहां भी है वो एक जगह कलेक्ट करेंगे। डीवाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा 2y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सारा टर्म उस साइड जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y माइनस कितना 3, और यहां से डीवाई डी एक्स निकल गया माइनस 2x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ दो पॉइंट यहाँ पे था वाइस, हमें हमने क्या किया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है लेकिन वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता। वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करने के लिए डीवाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, अब वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो गया। वैसे यहाँ यू इंटू वी का फॉर्म है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, प्रोडक्ट रूल हमने लगाया लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यू यहाँ पर है ये एक्स और वी है वाई, यू का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वी प्लस यू, यू मीन्स एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? इसके आगे जब पैरामीटर किसी पैरामीटर के मदद से दो इक्वेशन दिया रहेगा और हमको डीवाई डी एक्स निकालना होगा तो कैसे करेंगे, फाइंड डीवाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो निकालना हमको डीवाई डी एक्स, एक्स भी थीटा के टर्म में है वाई भी थीटा के टर्म में है, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट डी एक्स बाई डी थीटा, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया कॉस थीटा। क्लियर है? और वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो डीवाई बाई डी थीटा बराबर कितना माइनस साइन थीटा। हमको क्या निकालना है dy by dx, that is equal to dy by d theta into d theta by कितना dx, dy by d theta पता है minus sin theta into d theta by dx कितना हो जाएगा 1 by cos theta, that is equal to minus tan theta, so dy by dx is equal to minus tan theta। वैसे ही दूसरा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280, तो यहां से डी एक्स वाई डी टी निकलेगा 280 और डी वाई वाई डी टी निकलेगा 280, तो डी वाई वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स, डी वाई वाई डी टी का वैल्यू 2a इंटू डी टी वाई डी एक्स कितना होगा 1 बाय 2at, वाई टू कैंसिल, so dy by dx is equal to 1 by then अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो क्या, जैसे y इज इक्वल टू फाइंड dy डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, y इज इक्वल टू x टू दी पावर x है, यहां x टू दी पावर n नहीं लगेगा क्योंकि x टू दी पावर n में एक वेरिएबल टू दी पावर कॉन्स्टेंट और a टू दी पावर x में कॉन्स्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, ये x टू दी पावर n फॉर्मूला तब लगेगा जब वेरिएबल टू दी पावर कॉन्स्टेंट रहेगा और a टू दी पावर x तब लगेगा जब कॉन्स्टेंट टू दी पावर वेरिएबल रहेगा, यहां इस दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेक लॉग, तो क्या होगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स और ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू पावर पीछे आ जाता है लॉग में एक्स इंटू लॉग एक्स और फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का क्या होगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी बजाएगा, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू वी प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स,
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स इंटू कितना वाई, चाहे तो वाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम हम लोग बात किए, जितना हम लोगों को एज ए बेसिक यूज होगा मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को सीखते समय। इसके आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।